हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.2 के कॉन्सेप्ट्स, राइट है। तो दिस इज़ क्लास 12th मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 4.2। तो ये जो 4.2 एक्सरसाइज है ना, ये लेटेस्ट वाली जो NCERT है ना, लेटेस्ट NCERT है जो नई वाली NCERT है, ठीक है, ये उसका 4.2 बैठता है। और जो पुराने वाली NCERT है ना, पुराने वाली NCERT का ये कौन सा बैठता है, 4.3 बैठता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, जिसके अंदर मेनली हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, राइट है, यूजिंग डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स यूजिंग डिटरमिनेंट्स कैसे प्रूव करते हैं, एंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट्स, ठीक है। सो तीन मेन एप्लीकेशन पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग, ठीक है ना। तो आइए वन बाई वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड टू द लेक्चर। ओके, सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो सभी लोग अपने पास एक कॉपी रखेंगे, राइट, और चीज़ों को पहले समझेंगे। एंड व्हेन आई से कि पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, तो उस टाइम पे वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। जिंदगी में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का सबसे पहला फॉर्मूला हमने यही पढ़ा था बच्चों, है ना, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा था, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। उसके अंदर क्या होता था, हीरोन्स फॉर्मूला उसके अंदर क्या होता था कि भैया अगर लेट्स से ये ट्रायंगल ABC है और A के अपोजिट साइड A है, B के अपोजिट साइड B है एंड C के अपोजिट साइड लेट्स से C है, तो हीरोन्स फॉर्मूला में एक क्वांटिटी होती थी सेमी पैरामीटर कॉल्ड एज A प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी कि पैरामीटर का हाफ। एंड देन फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग कैसे निकाल देते थे बच्चों, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ऐसे करके हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला निकाल देते थे, ठीक है। फिर हम थोड़े से और बड़े हुए और हमने एक और तरीके का फॉर्मूला सीखा, है ना, आपको ध्यान है क्या भाई, आपको ध्यान है क्या, अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल के वर्टेसिस के हमारे पास क्या होते थे, AX1Y1, है ना, लेट्स से बी के कोऑर्डिनेट्स हैं X2Y2 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं X3Y3, तो ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा होगा ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सीखा था कि भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज क्या सीखा था बेटा हमने, मॉडुलस हाफ ऑफ, ठीक है ना, X1, ठीक है ना, ऐसे हाफ ऑफ मॉडुलस X1 Y2 माइनस Y3, ठीक है, प्लस X2 Y3 माइनस Y1, ठीक है बच्चों, और प्लस X3 Y1 माइनस Y2। ये तमाम तरीके से हमने आज तक एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखा है। अब चौथा तरीका सीख रहे हैं, है ना, यूजिंग डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो यूजिंग डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं भैया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जरा उसको समझेंगे, है ना। इस फिगर को जरा मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं क्या, ठीक है, क्लीन कर दिया मैंने। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझिएगा कि अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, और उसके तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको कैसे दिए हुए हैं, AX1Y1, BX2Y2 एंड CX3Y3 करके, अगर हमें एक ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हम लोग यूजिंग डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भैया, ABC,
इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? इट इज, बहुत ध्यान से देखना, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट एक्स वन, यानी कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, यानी कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू एंड वन, एंड एक्स थ्री सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स थ्री वाई थ्री वन. ठीक है, क्लियर है बच्चों? सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. अच्छा, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है, एक डिटर्मिनेंट का आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक मॉडुलस लगाएंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, यानी कि जो भी क्वांटिटी आएगी अगर वो नेगेटिव आ रही है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इधर एक मॉडुलस साइन हमेशा बाहर रखेंगे. एरिया एक स्क्वायर यूनिट्स में होता है ना, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स. तो बेसिकली दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होगा. एक क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा. ठीक है बच्चों? ठीक है क्या? जल्दी से बोल दीजिए. वेरी गुड. अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं ये वाली कहानी तो पुरानी कहानी थी, है ना, पिछले जन्म वाली कहानी. ठीक है, तो मतलब ये पुरानी क्लास, छोटी क्लासेस वाली कहानी थी. इसको तो मैं थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, है ना, यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ. ठीक है, इसको तो मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ. अब मैं थोड़ा सा आपको एक ट्राइंगल का एरिया भी निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के दिखाता हूँ. ठीक है, चलिए बच्चों. अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक ट्राइंगल आपके सामने लेता हूँ. ठीक है, लेट से ये 1, 0, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 5, 0. ठीक है, यहाँ पे 1, 0. ठीक है, ये दो पॉइंट्स तो मैंने यहाँ पे ले लिए बच्चों, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा. ठीक है, अच्छा यहाँ से 2 यूनिट ऊपर मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ, इट इज 2, 2. ठीक है, ठीक है भैया, देखो ना ये 2, 0 हो गया ना. ठीक है, अब ये ट्राइंगल का लेट से दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट. ठीक है, तो ये मेरी चाल है. ठीक है, इस तरीके से ट्राइंगल को बनाने की मेरी चाल है. अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, इट इज हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना, इसको मैं x1 y1 बोल दूं क्या, तो x1 y1 1, इसको x2 y2 बोल दूं क्या, तो इट्स x2 y2 1, एंड इसको x3 y3 बोल दूं क्या, तो इट इज 5, 0, 1. ठीक है, और मुझे क्या करना है यहां पे, मॉड्यूलस लगाना है. अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझना, एक समझदार बच्चे की निशानी क्या है कि वो क्या करेगा, सेकेंड कॉलम के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेगा. ठीक है ना, तो अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो इट इज प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि यहां पे मैं क्या करूंगा, इट इज माइनस का 2 एंड फर्दर डिटर्मिनेंट ये रो ये कॉलम हटा के 1, 1, 5, 1. ठीक है, ओके, सो दिस इज यहाँ पे कितना हो गया, इट इज माइनस 2, 2 से कट गया तो माइनस का 1 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 1, 5, दैट मीन्स बच्चों कितना हो जाएगा ये, इट इज माइनस का 4 इंटू माइनस का 1, यानी कि प्लस का 4 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, प्लस का 4 स्क्वायर यूनिट्स. अगर आप थोड़ा सा वैसे भी फील करना चाहते हैं तो आप देखिए, मैंने खुद जान पूछ के इसकी वर्टिकल हाइट कितनी ली थी बच्चों, यहाँ से अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मैंने इसकी हाइट कितनी ली थी, 2 यूनिट्स ली थी, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना था बच्चों इसका 4. ठीक है, और हाइट कितनी थी बच्चों इसकी 2, तो वैसे भी ये 4 स्क्वायर यूनिट्स आना था. ठीक है ना, बट यूजिंग डिटर्मिनेंट भी हमने आपको यहाँ पे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के दिखाया है.
ठीक है। वैसे भी हमने आपको ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के दिखाया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसे हाइट इसकी दो कैसे ले ली। देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है मैंने, तो यही अल्टीट्यूड होगा, ठीक है, यही अल्टीट्यूड होगा, ठीक है। तो ये आपको वेरीफाई करके दिखाया है कि देखिए अगर हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकालते हो या डिटर्मिनेंट से निकालते हो तो आंसर कैसे सेम आता। तो स्टूडेंट्स कैसे आपने देखा, क्या आपने ये चीज महसूस करी क्या बच्चों कि भैया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हम लोग किस हिसाब से हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन का डिटर्मिनेंट एंड पूरा ओवरऑल मॉडुलस लेके हम लोग क्या कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देते हैं। क्लियर है बच्चों? और हमने एक आपको यहां पे करके भी दिखा दिया, करके भी दिखा दिया, ठीक है, ठीक है जी। जल्दी से बोल दीजिए, चलिए फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट करेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पानी बहुत जरूरी है जीवन में, हैं? खेलेंगे सर ये तो पता है, कुछ और बताओ। चलो और बताते हैं आपको, फर्दर बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट को कि हम लोग तीन मेन एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड देन कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। तो देखिए ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, बड़ा आसान काम है, बहुत आसान काम है। सबसे पहले तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कोलिनियरिटी क्या होता है। देखो मेरे भाई, को मतलब सेम, को मतलब सेम, ठीक है, लीनियर मतलब लाइन के अलोंग। तो ऐसे तीन पॉइंट्स दुनिया में जो एक लाइन के अलोंग हो उनको कोलिनियर बोलते हैं। तो अगर दुनिया में अगर मान लो ऐसे तीन पॉइंट्स हैं जो एक लाइन के अलोंग हो रहे हैं, तो मान लो ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी और ये पॉइंट है आपका सी। अब तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं ये हम कैसे प्रूव करेंगे बच्चों? तो बड़ा आसान काम है, अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हैं, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, तो बच्चा बच्चा इस क्लास का ये बता देगा कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया जीरो होगा। चेक करो मैं फिर से क्या बोल रहा हूं, अगर तीन पॉइंट एक लाइन के अलोंग हैं तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया जीरो होगा, ठीक है। इन तीनों पॉइंट से कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ट्राइंगल बनने के लिए जिंदगी में हमेशा तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए। कोलिनियर पॉइंट जब भी लोगे तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे ट्राइंगल चिपट जाएगा ना, सोचो सोचो सोचो, ट्राइंगल बनने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए। ट्राइंगल बनने के लिए हमेशा कैसे चाहिए, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो इस वाले पॉइंट को आप उठा के यहां ले आओगे तो ट्राइंगल चपटा हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसका मतलब उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। और जैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हुआ तो इट मींस क्या होगा, इसका मतलब इन तीनों पॉइंट से मिलने वाला हमें जो डिटर्मिनेंट होगा या एरिया ऑफ ट्राइंगल बेसिकली क्या हुआ, मॉडुलस हाफ ऑफ एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एंड एक्स थ्री वाई थ्री वन, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर जीरो हो रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हो रहा है तो भैया हाफ तो जीरो होगा नहीं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है यही वाली क्वांटिटी जीरो रही होगी। तो इसका मतलब फाइनली हम क्या कह देते हैं, इसका मतलब हम फाइनली क्या कह देते हैं कि अगर ए बी सी तीन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होगा। ये वाला डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ
कोलिनियरिटी, है ना। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, यही है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। फिर से देखेंगे एक बार, फिर से देखेंगे। मैंने कहा अगर तीन पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो उन तीनों पॉइंट से बनने वाले जो ट्राइंगल का एरिया जीरो होगा, और ट्राइंगल का एरिया जीरो होगा तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तीनों पॉइंट से मिलने वाला जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जीरो होगी। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है ना। तो आपको अपनी खोपड़ी में क्या रखना है, ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर है। चलिए अब इन एक छोटी सी और चीज पढ़ेंगे, छोटी सी चीज और पढ़ेंगे, और उसके बाद ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम कहाँ करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जांपल हैं उनके अंदर हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को लगाएंगे, ठीक है मेरे भाई। फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से नोट करिएगा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चले आगे, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स ये जो तीसरा टॉपिक है दैट इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब कोई एक स्ट्रेट लाइन होती थी तो 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर इसके ऊपर ये दो पॉइंट से पास कर रही है x1y1 से और x2y2 से, तो हम लोगों को इक्वेशन क्या लिखते थे भैया, हम लोग इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या लिखते थे बच्चों, हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते थे y-y1 बराबर y2-y1 अपॉन x2-x1 इंटू x-x1, यही लिखते थे क्या, यही लिखते थे, जल्दी से बोलो, यही काम करते थे भाई, जल्दी बोलो, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यूजिंग डिटर्मिनेंट ये काम कर सकते हैं, हम लोग डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल, देखिए हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट। अभी हमने डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके क्या करा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, ठीक है ना, और तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव किया, है ना। अभी हमने क्या करा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ, यूजिंग डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव किया। अब हम लोग तीसरा काम क्या कर रहे हैं बच्चों, तीसरा काम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल रहे हैं। अब ऐसे नहीं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे, कौन सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, जो दो पॉइंट से पास करती है, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। कहने लगा सर इसकी जरूरत क्यों है, अरे जरूरत नहीं है बाबा, एक डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करने का एंगल दिखा रहे हैं कि भाई देखो भाई, हर आदमी जब अपना सामान कोई बेचता है कहता है देखो चाबी ऐसे भी लगा लेना, ऐसे भी लगा लेना, ऐसे भी लगा लेना, है ना। तो वही डिटर्मिनेंट को बता रहा है कि भैया डिटर्मिनेंट को आप एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी देखो इस्तेमाल कर सकते हो, देखो आप क्या नाम जो है तीन पॉइंट्स की कोलिनियरिटी भी प्रूव कर सकते हो, है ना। कल को बोलेगा दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, परसों बोलेगा कि देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी निकाल सकते हो पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, तो वगैरह वगैरह आपको यूसेज बता रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं, है ना, टॉपिक पे आते हैं। तो हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो निकाल ली थी, है ना, पिछले जन्म में अपने, अच्छा अब इस जन्म में डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके निकालना है। तो चलिए अब एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, है ना, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो मान के चलिए ये स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, x1y1 से और x2y2 से। मैं गारंटी से कह सकता हूं इस क्लास के अंदर 50% से ज्यादा विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ये ही नहीं पता होगा कि इक्वेशन क्या होता है। मेरे बाबू इक्वेशन कुछ नहीं होता, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट ले ले तू, कोई भी पॉइंट, उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और उसका एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसके बीच में रिलेशन, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के जो बीच में रिलेशन होगा, ऐसा रिलेशन जो इस लाइन पे लाई होने वाले हर पॉइंट जो है फुलफिल करें, ऐसा एक्स और वाई का रिलेशन जो इस लाइन पे लाई होने वाला हर पॉइंट फुलफिल करे, उसी रिलेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो देखो अब अगर हमें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, अरे हम कुछ भी नहीं करेंगे, कहेंगे कि देखो भैया एक लाइन पे तीन पॉइंट आ रहे हैं,
तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हुए, इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया जीरो, तो इसका मतलब इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। इन तीन पॉइंट से मिलने वाला जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। बस इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा आपको, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा भैया आपको, ठीक है। ये वाली बात तो अभी पीछे ही बताई कि तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर हों तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया जीरो, तो उनसे उन तीन पॉइंट्स से मिलने वाला डिटर्मिनेंट भी जीरो, ठीक है। क्लियर है क्या मेरे भाई? बस इतनी सी थ्योरी थी, बस इतना सा ख्वाब है। अच्छा, जो स्ट्रेट लाइन इधर से आएगी है ना, जो इक्वेशन इधर से आएगी वो इक्वेशन उधर से आएगी, है ना। नहीं यकीन है? नहीं यकीन है, है जी, नहीं यकीन है, करके दिखाएं एक बार। चलो करके दिखाते हैं। तो मान लीजिए एक पॉइंट लेते हैं 2.3 और यहाँ पे ले लेते हैं 4.6, है ना, पॉइंट ले लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों क्या करेंगे हम लोग, y-y1 3, इट इज y2-y1 6-3 अपॉन x2-x1 4-2, ठीक है ना, x-x1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y-3 = 3/2 x-2, दैट मीन्स 2y-2 = 6 3x-3 = 6। तो इसका मतलब 6 से 6 कट गया और ये हो जाएगा y = 3/2 x। यही आएगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, यही आएगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी ऐसे ले लेते हैं भैया, 2.3 और 4.6, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट कितना, 2, 3, 1 and 4, 6, 1 and x, y, 1, ठीक है। चलो इसको इक्वल टू जीरो रखना है, कॉल रो थर्ड के अलोंग एक्सपेंड कर दूं, रो थर्ड के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। चार्जेस कैसे हैं मेरे पास, ऐसे हैं। चलो बच्चों अब देखेंगे बच्चों, x ठीक है ना, फिर ये डिटर्मिनेंट 3, 1, 6, 1, फिर माइनस y, फिर डिटर्मिनेंट 2, 1, 4, 1, ठीक है, प्लस का 1 एंड डिटर्मिनेंट 2, 3, 4, 6 विच इज इक्वल टू जीरो। अब देखेंगे भैया, x 3 माइनस का 6 माइनस y 2 माइनस का 4 प्लस 6 × 12 और 4 × 3 = 12, इससे ए गयो। नाउ 3x-6 सॉरी ये कितना हो गया, माइनस का 3x और ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2y बराबर 0, इट मीन्स y = 3/2x, ठीक है। तो जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपकी इधर से आई है वही आपकी इधर से भी आई है, क्लियर है। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप बोर्ड पे बहुत सारा लिख देते हो, अरे बेटा फोकस रखा करना, फोकस रखा करना है। अगर इतना कंफ्यूज हो जाएगा तो दुनिया में कैसे जिएगा मेरे भाई, दुनिया तो बहुत कंफ्यूजिंग है, है? एक बच्चा जो तुम्हारा आज दोस्त है कल को दुश्मन हो जाता है, तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि ये दोस्त है कि दुश्मन है, हाँ। ये संसार में परिवर्तन नियम है, है ना, लोग ही बदल जाते हैं, उनकी जहनियत ही बदल जाती है, उनके मुखड़े ही बदल जाते हैं, है ना। तो इतना कंफ्यूज हो गए तो कैसे काम चलेगा, ये तो बहुत ही इजी काम है, ठीक है। चलिए भैया आगे चलें क्या, ठीक है, क्लियर है क्या, क्लियर है भैया सभी भाइयों को, क्लियर है ये, जल्दी बताइए। तो अब हमने जो सीखा है ना, अच्छा वीडियो को पॉज करके पहले पूरा नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, ओके। अब हम लोगों ने जो सीखा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ओके। तो एक बार रिकॉल करना है क्या, रिकॉल करना है क्या, देखो क्या क्या पढ़ लिया था हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला देख लो, ठीक है। तीन पॉइंट्स हैं
तो उनसे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, ठीक है, ठीक है ना, मॉडुलस हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद कोलिनियर हैं अगर तीन पॉइंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया जीरो करेंगे, यानी कि उन तीनों पॉइंट से मिलने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू को जीरो कर देंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, दो पॉइंट दिए हुए लाइन के ऊपर, तीसरा पॉइंट एक्स वाई लेना है और इन तीनों पॉइंट से बनने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू को जीरो रखना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, अब स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज द वर्टिसेस आर गिवन एज दिस दिस एंड दिस। तो हमें इस एक ट्राइंगल का एरिया लेना है जिनके वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जिनके वर्टिसेस 3.8 दिया हुआ है, -4.2 दिया हुआ है एंड 5.1 दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। सो दीज आर द वर्टिसेस, वर्टिसेस, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो हमने क्या बोल दिया भैया, इट इज ए बी एंड सी, हमने क्या पढ़ रखा है, अच्छा एग्जाम में वो आपको बोलेगा है ना, यूजिंग डिटरमिनेंट निकालो, है ना, नहीं भी बोलेगा तो भी डिटरमिनेंट को इस्तेमाल करके निकालना है ना, कभी पता चले आप क्या कर दो, आप इससे वो 10वीं क्लास वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला लगा दो, वो नहीं करना भाई, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला है मॉडुलस हाफ ऑफ एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन एंड एक्स थ्री वाई थ्री वन, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अच्छा अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, नाउ अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहां पे एक्स वन वाई वन क्या है भैया, मार्किंग कर देंगे यहां पे, एक्स वन वाई वन क्या है भैया, यहां पे एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। तो यहां पे जरा लिखो जरा भाई फटाफट से, क्या होगा, इट इज हाफ ऑफ एक्स वन वाई वन है ना, 381 एक्स टू वाई टू यानी कि माइनस का 421 एंड एक्स थ्री वाई थ्री यानी कि 511, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है हमको, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लेना। अच्छा आप चाहो तो इस हाफ को इस मॉडुलस के बाहर भी रख सकते हो ना, कोई ऐसी बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना, आप इसको भैया क्योंकि हाफ तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा ना, जब भी नेगेटिव होगा होगा डिटरमिनेंट ही, तो आप हाफ को बाहर भी लग सकते हो, ठीक है। अब आप देखो कौन सी रो या कौन सी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करोगे, तो भाई मैं तो रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, प्लस माइनस प्लस चार्जेस हैं इसके। चलिए जी तो बताइएगा क्या होगा बच्चों डिटरमिनेंट, है ना, ये मॉडुलस, अब देखो 3 + 3 देन ये रो ये कॉलम डिलीट, तो 2111, फिर माइनस का 8 ये रो ये कॉलम डिलीट, तो माइनस का 4151, ठीक है, एंड प्लस का 1 देन ये रो ये कॉलम डिलीट, -4251, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये तो सिखा रखा है आपको कि डिटरमिनेंट यूजिंग एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं। नाउ 3 दिस इज 2 - 1 है ना, 2 - 1 -8 दिस इज -4 × 1 माइनस का 4 -5 × 1 माइनस का 5 +1 -4 × 1 माइनस का 4 -5 × 2 माइनस का 10। तो इसका मतलब हाफ, इट इज 2 - 1 यानी कि प्लस का 3 माइनस का 5 और 4 माइनस का 9 नोट है 72 प्लस का 72 और माइनस का 10 और 4 14 तो माइनस का 14 तो इट इज 72 × 3 = 75 में से 14 गया कितना हुआ भैया, 75 में से 14 गए कितना, 5 में से 4 गया, 1 7 में से 1 गया 6, तो 61/2 स्क्वायर यूनिट्स, इसको आप 30.5 भी बोल सकते हैं, चाहे 61/2 स्क्वायर यूनिट्स भी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है, तो 61/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है क्या, एनसीईआरटी बड़ी तेज है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ 61/2 लिखा है, ठीक है, और हमने 61/2 स्क्वायर यूनिट्स लिखा। देखो जब भी आप एरिया लिखो तो हमेशा उसके सफिक्स में स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखो, अभी ये 2020 की बात है ना, कोविड के टाइम की पेपर तो हुआ नहीं थे,
तो हमारी एक स्टूडेंट थी वो झक्की थी, उसने क्या करा कि भाई सीबीएसई ने चांस दिया था, ऑप्शन दिया था कि जिसको पेपर देना है दे दो, तो उसने पेपर दिया भाई। अब उसके 100 out of 100 आ गए, तो सीबीएसई ने सोचा कि भाई कैसे नंबर कटे हैं इसके बच्ची के। तो भाई फिर आधा नंबर तो इस बात पे कटा कि एक क्वेश्चन में उसने स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखा था एरिया के आगे, और आधा क्वेश्चन कुछ 1-1 and 1-2 वाले चैप्टर से कटा था, ठीक है ना, कुछ स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम बताई थी उन्होंने। तो मैं खैर वही कह रहा हूँ कि देखो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि स्क्वायर यूनिट्स लिखो या ना लिखो, पर जिस दिन 100 आ रहे होंगे ना उस दिन आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना भैया ज़रा इस बात पे। चलिए, तो एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, और ये ना मतलब अपने आप में एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, और इससे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और ये सीबीएसई में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, व्हाट एवर द स्टेट बोर्ड इज। ओके, तो देखते हैं भैया जरा क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहता है भैया एग्जाम्पल नंबर 18 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड फाइंड के इफ डी के जीरो इज द पॉइंट्स इज दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज 3 square units। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स हैं, है ना, इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A13 B0, 0, है ना, इसकी इक्वेशन निकालनी है ना। तो यहाँ तक तो वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, बाद की बात बात की है ना, तो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के भाई। तो मैंने एक काम किया, मैंने इस लाइन पे है ना, मैं एक पॉइंट इधर एक्स वाई ले ले रहा हूँ, कहीं भी ले सकते हैं ना, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो अब क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है विच इज पासिंग थ्रू 2 points, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हुए, तो इनसे बनने वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, और यहीं से मैं क्या कर दूंगा बच्चों, यहीं से मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल दूंगा। अब हमने आपको एक रूल बताया था कि डिटरमिनेंट को आपको उस पर्टिकुलर रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। तो यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कहां है भैया, यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कहां है भैया, इट इज दिस, है ना, रो थर्ड के अलोंग, ठीक है, रो थर्ड के अलोंग आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स रो थर्ड के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज ये तो प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि प्लस का 1 और दिस इज 3x माइनस का y इज इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 3x इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो हमें मिली है। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है फाइंड के इफ डी के कोमा जीरो इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा ये जो फिगर बनाते हैं हम लोग, ये रफ फिगर है ना, ये रफ फिगर, कोई बच्चा बोले सर ओरिजिन तो लेफ्ट में आना चाहिए, 1-3 राइट में आना चाहिए, दिस इज द रफ फिगर, और ये एग्जाम में भी आप बना सकते हो, वो एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि भैया ये रफ फिगर है, ठीक है, ओके। सो फाइंड के इफ डी के कॉमा जीरो इज द पॉइंट सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज अ 3 square units। तो देखियो अब यहां पे उन्होंने ए पॉइंट दिया था 1, 3, है ना, ए पॉइंट दिया उन्होंने 1, 3 एंड बी पॉइंट कितना है बेटा आपका 0, 0 एंड देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड एज डी, और डी क्या है k, 0। कहता है कि भैया हमें k का वैल्यू निकालना है इफ डी के कॉमा जीरो इज अ पॉइंट सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज 3 square units। क्लियर है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज 3 square units, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा, ए बी डी क्या होगा, इट इज मॉडुलस हाफ डिटर्मिनेंट, और मैं आपसे ना हाफ को बाहर ही रखा करूंगा ना, हाफ मॉडुलस डिटर्मिनेंट कितना 1, 3, 1, है ना, x1, y1, 1, उसके बाद k0, 1 एंड 0, 0, 1, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू कितना दे रखा भैया 3 square units,
थ्री स्क्वायर यूनिट्स। चलेंगे बच्चों अब खोलेंगे, देखो इसको अभी मैं रो थर्ड के अलोंग एक्सपेंड कर दूं, ठीक है। अच्छा टू की तो मल्टीप्लाई उधर जाएगी, तो यानी कि सिक्स स्क्वायर यूनिट्स, सिक्स स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मॉडल साइन लगा के डिटरमिनेंट खोल दूंगा, तो ये प्लस माइनस प्लस। अब जब मैं इसको खोलूंगा तो वन, ये कितना हो जाएगा, इट इज वन इंटू जीरो जीरो माइनस का थ्री के, ठीक है। तो बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये एग्जैक्टली आपके पास आ गया। तो एग्जैक्टली आपके पास क्या आ गया बच्चों, इट इज अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, अच्छा यहाँ पे दो तीन प्रॉपर्टीज आपको सिखाऊंगा। तो ये कितना हो गया बच्चों आपके पास, वन इंटू माइनस थ्री के, तो मॉडुलस माइनस थ्री के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो प्रॉपर्टी सीखने की है, मॉडुलस की दो प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ बच्चों, मॉडुलस की दो प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ। कहाँ सिखा दूँ, यहाँ सिखा देता हूँ, समझो। दो प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, एक तो मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स और मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स किसी चीज के इक्वल है तो एक्स कितना होगा, प्लस और माइनस ए होगा, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज हर बच्चे को आने चाहिए। तो सबसे पहले तो यहां से क्या कहूंगा मैं कि भाई मॉडुलस ऑफ माइनस थ्री के और प्लस थ्री के, दिस विल बी इक्वल टू इक्वल, ठीक है ना। अब थ्री के का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस और माइनस सिक्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसका मतलब k का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस और माइनस टू, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि यार k का वैल्यू प्लस और माइनस टू आ गया है, इसका फील क्या आया सर, हमें तो समझ में नहीं आया। देखो प्लस और माइनस टू का फील ये है कि उसने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी का एरिया कितना है, थ्री स्क्वायर यूनिट्स। तो एक बात तो बताओ बेटा, बहुत ध्यान समझना, मान लो आपने k का वैल्यू प्लस टू ले लिया तो ये 2,0 हो गया। ऐसा एक पॉइंट इधर भी तो बैठ सकता है ना, जिसका एरिया कितना हो जाए, थ्री स्क्वायर यूनिट्स हो जाए। ऐसा एक पॉइंट d माइनस 2,0 इधर भी तो हो सकता ना नीचे की तरफ, जिसका एरिया, उसने क्या कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कितना है, थ्री स्क्वायर यूनिट्स। तो d ऊपर की तरफ भी हो सकता है और d नीचे की तरफ भी हो सकता है, इसलिए k की दो पॉसिबल वैल्यूज आई हैं। फिर से देखो, k की दो वैल्यू क्यों आई हैं, क्योंकि अगर ये ए बी है तो ए बी डी इधर को भी बन सकता है और ए बी डी इधर को भी बन सकता है, ये दोनों एरिया थ्री स्क्वायर यूनिट्स हो सकते हैं, चेक कर लो। अब क्योंकि d की दो पॉसिबल पोजिशंस हैं तो इसलिए k की भी दो पॉसिबल वैल्यूज आई हैं, ठीक है, क्लियर है क्या। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्लियर है क्या, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा अच्छे से। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, जहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखा डिटर्मिनेंट के यूज इस्तेमाल करके, कॉलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स प्रूव की हमने यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकाला यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। बस इसके ऊपर आप थोड़ा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो एंड उसके बाद अपना आरडी या जो भी आप फॉलो कर रहे हो एग्जाम्पलर उससे क्वेश्चंस करो, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी ठीक है, कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट सीखने के लिए ठीक है, बाकी अगर आपको अच्छा थोड़ा स्कोर करके चलना है सो यू हैव टू पुश एक्स्ट्रा हार्ड, ठीक है। तो आपको पी वाई क्यूज थोड़े से करो, थोड़ा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, है ना, आर डी से करो। एग्जाम्पलर एकदम करने जाओगे तो मे बी शायद क्वेश्चन में थोड़ा गैप ज़्यादा मिलेगा, तो इसमें बीच में या तो आर डी या आर एस को फिल करो, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूँ आपको कि हमारा एक सफल बैच का प्रोग्राम हम लोग ईयर लॉन्ग चलाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल बैच है, ठीक है। पूरे साल की फीस आपकी 1999 रुपये रहती है, दिस इज़ द वन टाइम फीस, है ना, फॉर कंप्लीट कोर्स टिल एग्जाम, ठीक है। और इसकी जो खासियत है कि एनसीईआरटी तो अपन इधर भी यूट्यूब पे भी पढ़ा के चलते ही हैं, ठीक है ना, पूरा एनसीईआरटी तो इधर ही पढ़ा के चलते हैं, लेकिन उधर हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी प्लस प्रिपरेशन लेके चलते हैं, है ना। हमारी डीपीपीज आप कर लो, ठीक है ना, तो इसका मतलब आपकी सारी किताबें हो गई, है ना, आर डी आर एस एग्जाम्पलर पी वाई क्यू सब हो गया आपका, क्योंकि देखो सारी किताबें 80% तो सेम ही होती हैं, है ना, 80-70% सेम होती है। तो हमारी डी पी पीज कर लो आप, तो वो बहुत ही है, मोर देन इनफ है, ठीक है ना, फॉर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज सी यू टी, ठीक है ना। तो ये सफल बैच है हमारा,
ट्वेल्थ बोर्ड के लिए एज वेल एज सीयूईटी के लिए हम लोग चलाते हैं, और डेडिकेटेड डाउट सेशंस होंगे आपके इसमें, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं चैप्टर कंप्लीशन पे या संडेज में, और डेली लाइव क्लासेस होती हैं, और किसी कारणवश किसी बच्चे का कोई चैप्टर छूट गया हो या कोई लेक्चर छूट गया हो तो हमेशा साल के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नोट्स एंड रिकॉर्डिंग पूरे साल भर अवेलेबल रहेगी। और आप किसी भी डिवाइस से, मोबाइल या पीसी, आईफोन, मैकबुक, एंड्रॉयड पीसी, कहीं से भी आप हमारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। और सफल बैच की सबसे अच्छी खास बात यह है कि हम इस पूरे साल में, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजम्पशन हमारी ऐसी है कि बच्चे का 11th का बेस बड़ा कमज़ोर रहता है, तो इसलिए हम लोग ड्यू केयर उसको भी लेके चलते हैं ना, कि यार जहाँ जहाँ 11th इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ 11th के टॉपिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, वहाँ वहाँ पर हम लोग सभी कॉन्सेप्ट्स पे एम्फेसिस करके चलते हैं, ठीक है, जिससे कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए। आप डिस्क्रिप्शन में CBSE क्लास ऐप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको इस लेक्चर के नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप सफल बैच के अंदर जाके फ्री कंटेंट भी चेक करना, हमारी DPPs, लेक्चर्स एंड ऑल, ठीक है। और कोई क्वेरी होगी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक दैट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।